अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले पांच सूत्री मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन कर गोरखपुर के कुलपति का पुतला फूंका। जिलाधिकारी के जरिए से कुलपति व राज्यपाल को संबोधित सौंपा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सभी विद्यालयों में प्रति सेमेस्टर 800 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित किए गए। विश्वविद्यालय द्वारा मनमाने ढंग से रजिस्ट्रेशन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर 500 से लेकर 900 रुपए तक वसूला जाता, जिसके विरोध के क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विगत 4 दिनों से आंदोलन चल रहा। कुलपति की तानाशाही रवैये पर पुलिस प्रशासन की बर्बरता के कारण 21 जुलाई को आंदोलन के दौरान छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ जिले के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की घोर निंदा करते। आज अपना परिचय दीजिए पहले। शिवम हूँ, विभाग संगठन मंत्री हूँ, विद्यार्थी परिषद का आजमगढ़ विभाग का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गोरखपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय में 20-20 गुना वृद्धि हुई थी, जिसके विरोध में पहले ज्ञापन दिया गया था, फिर शांतिपूर्वक पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। कल चौथा दिन था तो कुलपति महोदय ने कहा था कि मैं आकर के बातचीत करके इसका निस्तारण करूंगा, तो वो निस्तारण करने आए तो उन्होंने आते ही कार्यकर्ताओं को अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि तुम लोगों को यहाँ ज़्यादा अगर डिस्टर्ब, इसके पहले भी उन्होंने निलंबन किया था विद्यार्थियों को, कहा था कि कैरियर तुम लोग का मैं खा जाऊँगा। तो कार्यकर्ताओं ने भी उसके विरोध में हल्का फुल्का प्रदर्शन किया। उसके बाद विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा कुलपति जी के आदेश पे और इन दोनों लोगों की मिलीभगत से भारी मात्रा में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है, जिससे बहुत कार्यकर्ताओं को चोट आई है, बहुत 3-4 कार्यकर्ता एडमिट हैं। और इसी के संदर्भ विरोध में हम सभी लोग आज आजमगढ़ जिले में कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुतला फूंक करके प्रदर्शन किए हैं और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप कर हम लोग उनको राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग मुख्य मांग है कि जैसे कोई विद्यार्थी है, गरीब है, अब एक गुना फीस बढ़ता है कि 20 गुना फीस वृद्धि हो गया, वो इसके अलावा जो छात्र हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको छोड़ा जाए। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जो किसी भी घटना में नहीं है, उनको भी जानबूझ करके प्रशासन द्वारा मुजरिम बनाया गया है और उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा किया गया, वो मुकदमा वापस हो, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोग का ये मांग है। इसके अलावा आजमगढ़ में DAV PG कॉलेज है, DAV PG कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा कार्यकर्ता और अन्य भी विद्यार्थी ऐसे 10 विद्यार्थियों के ऊपर फर्जी बिना किसी तथ्य के आधार पर मुकदमा हुआ है और उनकी जो मानसिकता है, शौचालय में भी कुछ दिन पहले कैमरा लगवाए थे और कोई विद्यार्थी अपनी बात को लेकर के जाता है, इसमें ऋतिक हैं और आशीष हैं, इसके अलावा 8 और ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर मुकदमा हो गया है और वो उसके छात्र हैं। जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास समस्या है, हम प्रिंसिपल को अवगत कराएं, जब वो नहीं सुनेंगे तब हम कह जाएंगे। तो जब हम लोग उनके आ गए थे तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, 2-3 ऐसे भी कार्यकर्ता या छात्र हैं जिनको उन्होंने जातिगत टिप्पणी भी की कि तुम्हारा जो काम है वो करो, ये सब सारी मांगे हैं, थोड़ा सा उनके खिलाफ भी कार्रवाई है।